अभी तो सर मैं अपनी भूखों के खर्चे पे ही खा रहा हूँ, दूसरा मेरे सामने खाया उससे पहले पता नहीं कितने खा था। तो अभी ये दूसरा भटूरा है और ये पांच में ये पता नहीं कौन सी मलाई भटूरा। अच्छा मेरा नहीं, मेरे पास अच्छे टाइम ही होता है, वो खुद काफी खुश रहती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान भी गाज़ी खिदमत है। हम आज रेस कोर्स जलाली पार्क में मौजूद हैं, फैमिली की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ खाने खाए जा रहे हैं, पकवान खाए जा रहे हैं, यहाँ तक के आइसक्रीमें भी खाई जा रही हैं। दूर दराज से फैमिली यहाँ पर इंजॉय कर रही है, बच्चे भी आए हैं, बड़े खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और खूब आज के फेस्टिवल को जो इंजॉय किया जा रहा है खवातीन से। पूछते हैं कि कैसा इनको लग रहा है यहाँ पे आके और उन्होंने अभी तक क्या खाया क्या पिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपने ये बताया है कि सबसे अच्छी पूरे रेस कोर्स जलाली पार्क में कौन सी चीज़ है? मैं तो अभी यही, मुझे नहीं पता। अच्छा ये लगता है आपको खाने की चीज़ अच्छी लगी है? नहीं नहीं ऐसा मसला नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा, खाया क्या अभी ये बताया? आप किसे से लगा आपने सब्जी भी खाई होगी? नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा पसंद नहीं है, तो अच्छा ये कैसा आज की जो फीलिंग्स है यहाँ पे आके, जिस तरह मुख्तलिफ रंगों के स्टॉल लगे हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, मजा आ रहा है देख के साथ। तो आपने हमारे भाईजान का कोई खर्चा किया? अभी मैं आई हूँ, अभी मैंने करवाना है। ले जी अभी इन्होंने खर्चा करवाना है भाईजान से। हमारी छोटी बहन भी मौजूद है। अच्छा थोड़ा सा बता दें आपने खाया क्या? कोई बात नहीं, क्या क्या खाया? मलाई बोटी बस। अच्छा आइसक्रीम खाई है, चिप्स। तो ये मलाई बोटी कितनी खाई है? चार। मुझे लगता है कि दो दर्जन खा ली। अच्छा जी बच्चों से भी पूछते हैं, चिप्स खा रहे हैं ये हमारे भाई, तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा आपने क्या क्या खाया? सिर्फ चिप्स, कोई सब्जी, कोई मलाई बोटी? क्यों ये भी जब बाहर का खाने का है खाते चिप्स हो। तो क्या अच्छा लगा वैसे देख के जश्न बहारा में? बड़ा अच्छा हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम किया, चिप्स का बहुत अच्छा इकदाम किया जी, बहुत ले जी तो कहना चिप्स का बहुत अच्छा इकदाम किया। किस भाई से भी बोलते हैं। अच्छा आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो यहाँ की मलाई बोटी और भटूरे बड़े मजे के लगे। अच्छा तो कितने खाए हैं सच्ची सच्ची बताना? तो अभी ये दूसरा भटूरा है और ये पांच में ये पता नहीं कौन सी मलाई बोटी। अच्छा मेरा आइडिया कि कम से कम 22वां भटूरा आपका? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये आपसे आपके पापा से हम पूछेंगे कि कितना? चलिए हम जी उनके पापा से पूछते हैं कि वो सच बताएंगे कि ये भटूरा 22वां सा था या 36वां, उसके बाद करते हैं और हम उनसे जानते हैं ये। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आप? सर अखलाक हुसैन। अखलाक साहब मुझे ये बताएं आप कहाँ से तशरीफ लाए? सर मैं लाहौर से। लाहौर से किस जगह से? हम पैरागोन सिटी में रहते हैं जी। पैरागोन सिटी में रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपने घूमा है? अंदर फिरे हैं काफी। मैं तो घूमता रहता हूं, मैं अकेला भी आया था। अच्छा फिर मैंने घूम के तो फिर मैंने कहा मिसेज को भी लाना चाहिए, ठीक हो गया। तो हमारी बहन तो आज खुश है कि आपके पास टाइम निकल आया। नहीं नहीं मेरे पास अक्सर टाइम ही होता है, वो काफी खुश रहती है। फिर आप भी खुश किस्मत है, हमारी बहन भी खुश किस्मत है जी। अल्लाह का शुक्र हमने बड़ी सैरें की हैं और जहाँ मौका मिलता है अल्लाह का शुक्र है निकलते हैं, क्योंकि सैर ही मेरे ख्याल में जिंदगी में होनी चाहिए। घर में बैठ के भी तो बोर ही होना है, बेहतर ये है कि बंदा सैर करे और बीवी बच्चों को खुश करे, क्योंकि मेरा तो यही एम है कि बच्चे और बीवी हमेशा खुश रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहाने बहाने निकल आते हैं, कभी कोई मेले नहीं बहाने, कभी सैर के बहाने बहाने। अच्छा ये बताएं कि जश्न बहारा बड़ा अच्छा ही निकाज किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, बताएं इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए? बिल्कुल सर जरूर होने चाहिए, लेकिन अगर सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कोरोना और तरह तरह की बीमारियां और टेंशन हर टाइम घर में, तो ये इससे थोड़ा सा बंदा मूड कुछ खुआर हो जाता है। ठीक होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और हुकूमत को भी और जो भी आने वाली हुकूमतें भी हो सबको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के फेस्टिवल और भी जगहों पे करवाने चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी का खास ख्याल। बिल्कुल जी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की जानों की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस
पहले भी बॉर्डर पर बहुत अच्छी ड्यूटी दे रही हैं, लाहौर पुलिस भी बहुत अच्छी ड्यूटी दे रही है, जिस तरह मैचेस भी वहाँ पर ड्यूटी दी गई। अब हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं फेस्टिवल के हवाले से। अच्छा ये बता दें कि ये जो पुराने गार्ड चिकों वाले जो कहते हैं ना कि पंजाबी जो चाटी दी लस्सी वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है, तो वो 35 साल वाला आपको जो माहौल है वो याद आता होगा? सर 35 साल तो मेरी उम्र है। अच्छा, मेरे से पहले ये जरूर मेरे वालिद साहब बताते हैं कि चाटी की लस्सी बड़ी मज़ेदार होती रही है, और गांव जो है हमारा था वहाँ पे तो सारा कुछ ये था, मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पुरानी चीज़ें देख के हमने अपने बच्चों को भी अपना कल्चर बताना होता है, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो केबल नेट देख के उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का, तो ये चीज़ें दिखानी चाहिए उनको भी कि हमारा असल कल्चर क्या था, क्या है और क्या होगा, तो बच्चों को भी पता भी चलता है कि भाई हम ज़मीन के लोग हैं और ज़मीन में ही रहना है, और ज़मीन की हर चीज़ अपनी जो अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, अपना जो हमारे कल्चर है उसको नहीं भूलना चाहिए। ले जी हम भाईजान से आखिरी बात करेंगे कि खर्चा कितना हमारी बहनों ने बच्चों ने। अभी तो सर मैं अपनी फूफो के खर्चे पे ही खा रहा हूँ। और आपको भी ऑफर करता हूँ कि ये हमारे पास जो पड़ा है आप भी टेस्ट करें। नहीं जी हम टेस्ट नहीं, भाई अच्छा, होने के नाते आप टेस्ट करें। ले जी हम भाई होने के नाते हम टेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो फूफो का खर्चा चला है, तो अब इनका जो खर्चा है मेरे ख्याल से एक चक्कर लगेगा तो एक पेटी साइड पे हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी सर। बिल्कुल चले जी, ये खुश रहे जी, बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने, ये बच्चों को दिखाएं, ये बकायदा तौर पे मलाई बोटी भी खा रहे हैं और फैमिलीज को भी दिखाएं। और अच्छा आखिरी बात आपने बताई नहीं, ये कह रहे हैं बच्चा जो है देसी खुराक के, माशाल्लाह जी अल्लाह पाक इसके नसीब भी अच्छे करे, सबके करे, हमारी दुआएं हैं। मुझे ये बताएं कि ये इसने कहा दूसरा पठूरा है, आप बताएं। दूसरा मेरे सामने खाया, उससे पहले पता नहीं कितने खा रहे। अच्छा जी इनके आपके पापा ने कहा इससे पहले आपने पता नहीं कितने खाए हैं। क्यों जी ऐसा? मैं इसके साथ बैठे थे, 16 मेरे सामने खाए हैं। तो 16 और 22 कितने हो गए भाई जान? नहीं मुझे लग रहा है कि आपने 16 खाए, अपने मुंह से बताएं कितने खाए। मैंने 2 खाए अभी। पक्की बात है? दूसरा है। आपकी मम्मा ग्रेटिन देती है आपकी? 2 खाए जी। ले जी इसकी मामा ने गारंटी दे दी है कि इसने 2 ही खाए हैं। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।